हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई सिंपल एट सैसी रेसिपी के साथ। और हमारी आज की रेसिपी है काढ़ा। काढ़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के बीच अब मौसम भी बदल रहा है और लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसे में काढ़ा पीने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और अलग अलग तरह के संक्रमण से बचाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। तुलसी सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च और पिपली से बना यह कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। यह एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है और इसको लेने से आपके वात, पित्त, कफ दोनों तीनों ही बड़े बैलेंस में रहते हैं। स्पेशली कफ में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो चलिए बनाते हैं काढ़ा। 10 लोगों के लिए काढ़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 लीटर के करीब पानी और इसमें मैं ऐड करूँगी तुलसी। तुलसी ली है मैंने, ये हरी तुलसी ली है 15 से 20 पत्ते। ये मैंने यहाँ लिया है अदरक और 20-25 दाने काले मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा। मैं आपको चम्मच से भी इसका मेज़रमेंट बताऊँगी। दालचीनी जो है ये ग्राइंड कर ली है मैंने और काली मिर्च को भी पीस लिया है। और ये है छोटी पीपली, ये पाउडर्ड है मेरे पास। और ये सौंठ पाउडर है, आप चाहें तो सौंठ पाउडर या अदरक दोनों में से किसी एक का यूज़ भी कर सकते हैं या दोनों भी हाफ हाफ क्वांटिटी में डाल सकते हैं। और ये शहद है, शहद ऐच्छिक है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं या इसकी जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, काढ़ा पकाते हुए डाल सकते हैं। शहद को आपने जो डालना है तो वो काढ़े को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर ला के डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी पानी 1.5 लीटर के करीब। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। ये देखिए पानी गर्म होने लग गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी तुलसी के पत्ते, ये मैंने यहाँ चॉप कर लिए हैं बारीक और इनको मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक, कद्दूकस कर लिया है मैंने, ये ग्रेट कर लिया है। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी दालचीनी। दालचीनी मैं यहाँ पाउडर्ड लूँगी, आप चाहें तो इसको भी मोटा कूट सकते हैं। ये पाउडर्ड दालचीनी का मैंने इसमें ऐड कर लेना है 1 छोटा चम्मच। दालचीनी काफ़ी गर्म होती है तो हमने ये नॉर्मल टीस्पून से भी हाफ टी स्पून लिया है। इसमें अब ऐड करूँगी काली मिर्च, हाफ टी स्पून हम लेंगे काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो 15-20 दाने जो काली मिर्च के हैं उनको मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। और ये पिपली पाउडर लूँगी मैं 1/4 टी स्पून के करीब, जो नॉर्मल चम्मच होता है उसका 1/4 चम्मच पिपली पाउडर लेना है। ये भी कफ के लिए बड़ा ही अच्छा है। 1/2 टी स्पून मैं इसमें लूँगी सौंठ पाउडर। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक ही डाल लीजिए, अगर सौंठ पाउडर है तो सौंठ पाउडर, अगर दोनों है तो हाफ हाफ इसमें दोनों डाल सकते हैं। और इसको अब मैं अच्छे से मिलाकर ढककर उबलने तक पकाऊंगी और इसको उबलने देना है। ये मैंने इसको मिला दिया है और इसको अब अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको ढककर पकाऊंगी और 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पकाना है। ये देखिए ये अब उबलने लगा है। क्वांटिटी इसकी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रहनी चाहिए काढ़े की पकने के बाद। ये जो इसके लिड पर पानी आया होता है ये अर्क होता है, ये भी आपको वेस्ट नहीं होने देना है और इसको अच्छे से उबलने देंगे। ये हाफ से कुछ ज़्यादा रह गया है और अब इसको गैस को हम करेंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा सा और इसको इसमें से छान लेंगे। काढ़े को कोशिश कीजिए हमेशा चीनी मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही छानें। काढ़ा बनकर तैयार है। काढ़ा हमेशा मौसम, प्रकृति, उम्र और स्थिति को देखकर लेना चाहिए।
अगर इन चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि काढ़े में प्रयोग की जाने वाली सभी चीज़ों की तासीर जो है वो बहुत गर्म होती है। इसको प्रयोग करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर काढ़ा लेने से कोई नुकसान दिखता है तो सभी चीज़ों की मात्रा कम कर देनी चाहिए और काढ़ा हमेशा आधा कप के करीब ही लेना चाहिए। आप इसको स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए इकट्ठे बना के, और जब आपने लेना हो तो आप उसको गर्म करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ कि काढ़े में कभी भी तेज़ गर्म काढ़े में शहद हमने मिक्स नहीं करना है। हमने शहद उसमें तभी मिक्स करना है जब वो थोड़ा ल्यूक वार्म हो। अगर आप गुड़ का यूज़ कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों के साथ ही गुड़ को पका सकते हैं, उसको बाद में नहीं ऐड करना है, उसको इनके साथ ही पकाना है। और इससे थोड़ा टेस्ट जो है मिर्ची का टेस्ट और जो पिपली का तेज़ टेस्ट है वो गुड़ से और शहद से थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ये इतनी क्वांटिटी हमने एक बड़े एडल्ट के लिए लेनी है और इससे हाफ क्वांटिटी जो है वो हमने 10 साल से कम बच्चे के लिए लेनी है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा आप बनाकर अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इसे घर पर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा।